बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए किसी भी पिक्चर के अंदर कोई भी चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक पिक्चर है, ठीक है, वो आपके फ्रेंड की या किसी कोई भी पिक्चर है जो आपने या इंटरनेट से डाउनलोड करी है। अब वहाँ पर एक लड़का है, हम चाहते हैं कि हम उस लड़के को जो है वो रिमूव करके अपनी वहाँ पर पिक्चर लगा दें, हम यानी कि उसको रिमूव करके वहाँ पर अपनी पिक्चर लगा दें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे करेंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन है रीटच, इसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको जो है फ्री में मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है ये प्ले स्टोर में पेड है और वहां पर इसकी कीमत है 210 रुपये। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम पहले पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं यूसी ब्राउजर से। ओके, बॉय पिक्चर शूट एंड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ले लेते हैं। ओके, अब हमने इसे डाउनलोड करना है तो इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके व्यू ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहां से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ ओके, बैक आएंगे एंड ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, पहले हम एक दफ़ा उसका इंटरफेस देख लेते हैं। तो ये रीटच ऐप है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ट्यूटोरियल का और एक एल्बम का। जब आप एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कुछ वन ड्राइव के अंदर ले जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप गैलरी के अंदर जाकर भी जो है अपनी पिक्चर वगैरह को या फाइल या गूगल फोटो के अंदर या मेगा या ड्राइव के अंदर जिसके अंदर भी आप करना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी आपको गैलरी में से भी यहाँ पर एक पिक्चर इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो है वो अपनी इम्पोर्ट कर सकते हैं। लाइक ये मेरा चैनल आर्ट। ओके, तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये इम्पोर्ट हो गई। तो फिलहाल मैं बैक कर लेता हूँ और अब हो जाते हैं यहाँ से यूसी ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से हम शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और रिटच। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये रिटच टच के अंदर जो है वो ओपन हो गई। अब आपने जो है इसको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट रिमूवल का। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, एक ब्रश करके, ठीक है, सिंपल, और दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा लैसो टूल, यानी कि आप जस्ट सिलेक्शन करेंगे इसके इर्द गिर्द और आप इसको जो है वो रिमूव कर देंगे। तो मैं ब्रश यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर आपको रेज़र का ऑप्शन मिलता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से जो है वो ज़्यादा सिलेक्शन कर लिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इतना इतना एरिया रेज हो जाए, तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रश का साइज़ वगैरह मिल जाता है, साइज़ मैं फ़िलहाल रखने वाला हूँ फ़िलहाल छोटा। और अब हम करेंगे इसको पिक्चर को जूम, जितना क्लोजली हो सके आप उतना क्लोजली इसको जो है वो सिलेक्ट करिएगा। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी पिक्चर को अच्छी तरह से जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ज़्यादा क्लोजली नहीं किया मैंने, बस नॉर्मल रखा है। तो आप तकरीबन इतना एक जो है वो सिलेक्ट करिएगा एंड उसके बाद आप गो के ऊपर क्लिक कर दें। तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग एंड प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये प्लीज़ वेट एंड प्रोसेसिंग, वेट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो है उसने पिक्चर यहाँ से रिमूव कर दी है एंड हम यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो अगर आप ऐसी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है क्विक रिपेयर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये ब्रश टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ से जो आपका एरिया है जिसको आपने रिपेयर करना है आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा इजाफी एरिया भी आपने जो है वो यहाँ से ले लेना है एंड प्रोसेसिंग में देनी, तो फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, दो तीन बार ही सिलेक्ट करना पड़ता है बस। ये उसको थोड़ा थोड़ा करके रिपेयर करता है,
ये देखिए जैसे इतना सा एरिया कर दिया, अब ये रह गया सिर्फ। ओके ठीक, प्रेस टू एंड फाइनली। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो है वो प्रॉपरली यहां से वो रिमूव हो चुका है। अब आप वापस बैक आ जाए, और अगर आप इसके अंदर क्लोनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहां पर कर सकते हैं, ये आगे आपकी मर्जी है। और यहां पर आपको लिंक रिमूवल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्लोनिंग करने वाला हूँ, तो पहले मैं मिरर सेलेक्ट करता हूँ। आप ऐसे नन सेलेक्ट करें, यानी कि नो कोई भी, आपने बस यहाँ पर आपने वो देना है सिंपल कि आपने कहाँ का सैंपल लेना है। तो यहाँ का मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, और अब ब्रश ठीक। एंड ये आप देख सकते हैं, अब इसे हम जो है वो सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी के अंदर, गैलरी। तो ये सेव हो गया, यहाँ से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को 100% कर दें, और यहाँ से आपसे PNG TFT वगैरह के अंदर जो वो सेव कर सकते हैं। तो ओरिजिनल साइज़ इसका ये है, जो डाउनलोड की थी ये उतनी साइज़ में रहेगी। उसके बाद आप यहाँ से हाइक वगैरह कर सकते हैं इसकी क्वालिटी, यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फिलहाल मैं इसे गैलरी के अंदर सेव कर देता हूँ, हाई क्वालिटी बढ़ा कर। आ जाते हैं होम की तरफ, अब आपको दिखाता हूं मैं पिक्चर। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सोचा वो प्रॉपरली रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर कोई आपको कह नहीं सकता कि यहाँ पर आपकी जो है वो आपने उसे रिमूव करके अपनी पिक्चर लगाई है। तो अब जस्ट आप क्या करें, अपनी पिक्चर उस पोज के अंदर ले जिस तरह पोज में उसने ली हुई थी, या पोज चेंज करना चाहते हो आप ठीक चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने जस्ट सिंपल वहां पर अपनी पिक्चर को जो है वो पेस्ट कर देना है, कट एंड पेस्ट। ओके, तो अब ये है एप्लीकेशन एक पिक्स आर्ट। यहाँ कोई भी आप पिक्स कोई भी आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, ठीक है, पिक्सोमैटिक भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं पिक्स आर्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने पिक्स आर्ट को जो है वो ओपन कर लिया। मैंने टेम्परेरी इंटरनेट ऑफ कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये ऐड वगैरह शो करवाता है। एडिट, और यहाँ से अब मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने टेम्परेरीली एक पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया है, स्टार्ट कर देते हैं। पिक्सआर्ट को आपने ओपन करना है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कट आउट का। पिक्सआर्ट के अंदर भी एक ऑप्शन है जिससे आप पिक्चर को रिमूव करते हैं, आपने सिंपल क्लोन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने कोई भी एक सैम्पल लेना है और फिर आपने उसको रिमूव कर देना है। आप इनमें से किसी पिक्चर को रिमूव कर सकते हैं, ओके, पिक्सआर्ट की हेल्प से भी। तो फिलहाल मैं कट आउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो फिलहाल ये मैं सिलेक्ट कर लिया है, मैं ऊपर ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप अच्छी तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने वीडियोस भी अपलोड करी हुई हैं इसके रिलेटेड कि आप जो है वो किस तरह से अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ओके एंड सेव। ओके
सेव इनटू गैलरी हो गया। अब वापस डिस्कार्ड कर देते हैं इसे, ओपन करते हैं अपने बैकग्राउंड को। यहाँ पर आते हैं ड्रा के ऑप्शन के अंदर, ऐड फोटो और अपने फ्रेंड की पिक्चर सेलेक्ट कर ली और सॉरी राइट पासवर्ड। तो आप ये देख सकते हैं मैंने वहां से उसे रिमूव करके यहाँ पर लगा दिया। अगर मैं इसे क्लोजली रेज करता तो यहाँ पर ये फुल रियल लगना था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर जो है वो वहां से उसे कट आउट करके यहाँ पर आप उसे इजीली जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।